तो दोस्तों यदि आप लोग पेटीएम में लॉगिन करना चाह रहे हैं लेकिन आप लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं और आप लोग को कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे लिखा रहा है वी हैव डिसेबल लॉगिन ऑन दिस वर्जन ऑफ द ऐप, कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज़ अपडेट टू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ न्यू ऑफर्स एंड इनहेंस सिक्योरिटी, ऐसे कुछ यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, चलिए आज के वीडियो में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है वो आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपको पेटीएम का एप्लीकेशन को यहाँ पे जहाँ भी आपके एप्लीकेशन है पेटीएम का एप्लीकेशन आपके मोबाइल में, उसको यहाँ पे आपको क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं पेटीएम का एप्लीकेशन है, इसमें अगर आप लोग क्लिक करके रखिएगा इस तरह से, यहाँ पे क्लिक करके रखिएगा तो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम पहले खोज लेते हैं कि पेटीएम का एप्लीकेशन कहाँ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेटीएम का एप्लीकेशन हमारे फोन में यहाँ पे है, तो जैसे हम लोग इसमें क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे आई करके एक ऑप्शन आएगा, इसमें आपको क्लिक करना है। अगर आप लोग आई में नहीं क्लिक करना चाहते तो यहाँ पे आपको सेटिंग में क्लिक करना है, जैसे आप लोग सेटिंग में क्लिक कीजिएगा यहाँ पे ऐप्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, इसी ऐप्स में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐप मैनेजमेंट करके एक ऑप्शन मिलेगा, इसी ऐप मैनेजमेंट में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग ऐप मैनेजमेंट में क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना, और जैसे आप लोग यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा पेटीएम कर पेटीएम करके, इसी में आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे अगर आई में भी क्लिक करते हैं ना आप, यहाँ पे अगर आप लोग इसमें क्लिक करके दिखाते हैं हम आपको, तो यहाँ पे अगर इसमें हम क्लिक करते हैं और आई में क्लिक करते हैं तो भी आप लोग इसी ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों सेम ही है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टोरेज यूजेज करके ऑप्शन मिलेगा, इसी में आपको क्लिक करना है। क्लियर डाटा का क्लिक ऑप्शन मिलेगा, डिलीट कर देना है, क्लियर कैश भी आपको कर देना है, दोनों काम आपको कर देना है। जैसे आप लोग कर दीजिएगा उसके बाद दूसरा आपको काम क्या करना है कि पेटीएम को ओपन करना है। जैसे आप लोग पेटीएम को ओपन कीजिएगा या सॉरी यहाँ पे आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है पेटीएम, तो यहाँ पे हमारा नेट थोड़ा सा कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे हम नेट को कनेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे आप लोग यहाँ पे पेटीएम सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम का एप्लीकेशन आ जाएगा, और यहाँ पे आपको अपडेट मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपडेट कर देना थोड़ा सा, जैसे आप लोग अपडेट कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना, अपडेट होने देना, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1% हो चुका है, 2%, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेटीएम हमारा अपडेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओपन में क्लिक करना, जैसे आप लोग ओपन में क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के प्रोसेस लॉगिन में यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपका आसानी से लॉगिन हो जाएगा। अगर आपका फिर भी लॉगिन नहीं होता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।